अबूर फवाद है, मैं 12 साल की हूँ और मैं अभी 8 क्लास में हूँ। मैं मस्कत जा रही हूँ, मेरा 14 से टूर्नामेंट स्टार्ट है और जो है ये वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट है। और बाकी मैं ये कहूँगी कि आप लोग भी मुझे अपना सपोर्ट दें और दुआ करें मेरे लिए कि मैं वहाँ पर पाकिस्तान का नाम रोशन करके आऊँ और पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आऊँ। इस टूर्नामेंट की तैयारी तो मैंने बहुत पहले से शुरू कर दी थी, मगर मेरी अभी प्रैक्टिस अच्छी है, कॉन्फिडेंस है मुझे कि मैं जीत के आऊँगी इंशाल्लाह। मैंने 9 साल की उम्र में खेलना शुरू किया, ये हमारा फैमिली गेम था तो मैंने इसको एज अ कैरियर चुन लिया। और बाकी मैं डेली 3 आवर्स प्रैक्टिस करती हूँ और बाकी जो है बाबा प्रैक्टिस कराते हैं और या कभी कोच कराते हैं। और बाकी ये है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मेडल्स हैं, तो वो ये है कि मेरी गिनती में नहीं आती। और पहला गोल्ड मेडल मेरा जो था वो सिन गेम्स का था। मैंने जो दूसरा गोल्ड मेडल जीता वो मैंने कराची चैम्पियनशिप के फाइनल में जीता और बाकी मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बहुत कॉन्फिडेंस से उतरी थी कि जो है मेरा फाइनल है। और बाकी जब मैं जीती तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं गोल्ड मेडल जीती। मेरा नाम फवाद रहमान, मैं हूर का फादर हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि हूर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे दोबारा कॉम्पीट करने जा रही है। इससे पहले शिन में वो कॉम्पीट कर चुके हैं अंडर 12 के अंदर, उससे पहले अंडर 15 में साउथ एशियन के अंदर भी कॉम्पीट कर चुकी है। इससे पहले उसको इंडिया जाना था एक साउथ एशियन इवेंट में, लेकिन इसको वीज़ा नहीं मिला इंडिया की तरफ से और उसकी वजह से वो वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकी थी। अब वो मस्कत जा रही है वर्ल्ड रैंकिंग। बेसिकली जो टूर्नामेंट्स हैं हम तो ये सेल्फ फाइनेंस पर हमें खिलाने पड़ते हैं और ये इसलिए होते हैं कि इससे वर्ल्ड के अंदर रैंकिंग हो। एक होता है वर्ल्ड चैंपियन, एक होती है वर्ल्ड की रैंकिंग जिसको हम बोलते हैं ये वर्ल्ड नंबर 1 या वर्ल्ड नंबर 2 है। फेडरेशन तो ऑल्दो हमें सपोर्ट करती है, लेकिन उनको पीछे गवर्नमेंट लेवल से अगर सपोर्ट हो, उनके पास अगर फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हो जाएं और इन बच्चों को कैंप्स मिलें और इन बच्चों को ट्रेनिंग्स मिलें और इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स मिलें, तो ये बच्चे टेबल टेनिस के अंदर, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार होगा, इससे पहले नाज़ो शकूर, सीमा शकूर और आरिफ नाखुदा और आरिफ खान और फरजाज सैफ, दे आर द लेजेंड्स ऑफ टेबल टेनिस। देखिए जी, बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत होती है इस लेवल पे पहुंच जाना और इस लेवल पे खेल लेना और वहाँ पे परफॉर्म करना तो आसान काम नहीं होता, बड़ी नर्वसनेस होती है और आदमी जो है वो यहाँ से जाता है। अब एक्चुअल तो ऐसा होना चाहिए कि हमें जो है वो इनको इवेंट खिलाने के लिए उस जगह पे एक हफ्ता पहले लेके जाना चाहिए या 10 दिन। नॉर्मली जो प्लेयर्स हैं वो यही करते हैं। अभी जो इंडिया के प्लेयर्स वहाँ आ रहे हैं वो ऑलरेडी वहाँ 10 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे ऑलरेडी 10 दिन से खेल रहे हैं, तो वहाँ के एनवायरनमेंट में एडजस्ट है। जबकि ये जब पहुँचेगी तो पहुँचते ही इसको थोड़ा सा रेस्ट का टाइम मिलेगा और नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसके मैचेस होंगे, तो ये वहाँ कितना एडजस्ट होती है कितना नहीं होती, तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन होता है। तो बहरहाल आप सब लोग मिलकर दुआ करें और दुआओं की बड़ी ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ जो है वो आप अगर कोई इसको मॉरली सपोर्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसको मॉरली सपोर्ट करें। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमने टारगेट लिया है, इस बच्ची ने अपना टारगेट लिया है कि ये जो है वो कुछ पाकिस्तान के लिए करेगी, तो खुलूस नियत से पाकिस्तान के लिए करेगी इंशाल्लाह और सब देखेंगे। अगला टारगेट ये है कि मैं नेशनल चैंपियन बनूं, देन मेरा टारगेट है कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूं। पाकिस्तान में टेबल टेनिस को ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि जो है पाकिस्तान में टेबल टेनिस को सपोर्ट मिले ताकि जो है जो प्लेयर्स हैं वो और ज़्यादा अच्छे हो सके। जो यंगस्टर मुझे देख रहे हैं मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो है अगर वो खेलना चाहते हैं तो वो इस गेम में आएँ और जो है जिस भी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं वो जाएँ और उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें।